हेलो फ्रेंड्स, चारोमात रसोई में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम एक और नई रेसिपी लेके आए हैं, तो आइए देख लेते हैं आज हम क्या बनाने वाले हैं। ठीक है, पैन ले लिया है, इसमें हम अपना 2 ग्लास जितना दूध ऐड करेंगे। अब इस दूध में हमने ये आधी कटोरी अपना मिल्क पाउडर लिया हुआ है, वो ऐड करेंगे। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने अपनी गैस की फ्लेम को ऑन नहीं किया है, पहले मिल्क पाउडर को दूध में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मिक्स हो चुका है हमारा अच्छे से। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और हल्का जब तक थिक नहीं हो जाता है तब तक हमें इसे कुक करना है। इसमें हमारा बॉईल आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसे हम इसी तरीके से सेम फ्लेम पे चलाते हुए कुक कर लेते हैं जब तक कि हमारा थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता है। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारा दूध इतना थिक हो चुका है। आप देखेंगे हमारे स्पून पे अब इसकी कोटिंग कंसिस्टेंसी आने लगी है। स्पून पे इस तरीके से आप लेके देखिएगा, बीच में या बैक साइड में अगर आपको बीच में स्ट्रेट लाइन आती हुई दिख रही है, इट मीन्स आपकी दूध जो है वो पाउडर डालने के बाद अच्छा थिक हो चुका है। अभी हम इसे जब रखेंगे तो थोड़ा थिक हमारा तब और हो जाएगा। सो अभी हम अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और उसके ठंडा होने के बाद ही आगे का प्रोसेस करेंगे। मिल्क पाउडर हमें पहले थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए हमने 2 टेबल स्पून जितना मिल्क पाउडर और ऐड किया था, तभी हमारा ये इतना अच्छे से क्रीमी मिल्क बन के तैयार हो पाया है। सो इसे ठंडा होने के बाद ही आगे का प्रोसेस करते हैं। ये देख सकते हैं हमारा जो दूध का मिश्रण है वो केक ही काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है एकदम पूरी तरीके से। लगभग हमने इसे 20-25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था और आप देखेंगे काफ़ी थिक भी हमारा ये हो गया है। अब हम आगे क्या करेंगे, एक आम लिया था हमने और उसको हमने इस तरीके से मिक्सी के जार में ऐड करके इसको बना के इसका तैयार कर लिया है, प्यूरे बना के इसका तैयार कर लिया है। इसमें हम 4 टेबल स्पून जितनी शुगर ऐड करेंगे। आम क्योंकि ऑलरेडी हमारा मीठा है सो इसलिए बहुत ज़्यादा शुगर हमें ऐड करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और इसी में ही जो हमने अपना ये दूध गाढ़ा करा है इसको भी ऐड करेंगे साथ में ही। 1 टेबल स्पून जितना मैंगो क्रश आता है मार्केट में वो हम इसमें ऐड करेंगे, जस्ट टू इन्हेंस द टेस्ट। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, जस्ट 1 टेबल स्पून जितना ही ऐड करेंगे। और अब इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा मिश्रण एक तरीके से आप देख सकते हैं अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी थिक हमें रखनी है, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल हमारी थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हमने इसकी रख के तैयार किया है। अब हम आगे क्या करेंगे, इस तरीके से चलाने के बाद हमने ये आइसक्रीम का ही बॉक्स आपको आराम से मार्केट में आप लाते हैं घर में सो थ्रो मत कीजिएगा, रख सकते हैं। और इसी में ही हम अपनी ये मिक्सचर को ऐड करेंगे, थोड़ी सी टूटी फूटी लेंगे वो इसके ऊपर हल्की सी गार्निशिंग के लिए इस तरीके से डाल देंगे। ड्राई फ्रूट हमने चॉप करके रखे हुए हैं, पिस्ता है उसको स्लाइस कर लिया है हमने एकदम बारीक बारीक, इसके ऊपर गार्निश कर देते हैं। और थोड़ी सी बादाम की भी कतरन है उसे भी इससे गार्निश कर देंगे। अपनी मैंगो के कुछ पीसेस हैं वो हम अपनी इस आइसक्रीम में ही के मिक्सचर में इस तरीके से जगह जगह ऐड कर देंगे। और अब हम इसको क्लिंच रैप से या फिर आप एल्युमिनियम फॉइल से कवर करके रख दीजिएगा सेट होने के लिए, ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट सेट करने के लिए रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है। और इस तरीके से कवर करने पे हमारी अगर कभी आपके आइसक्रीम क्रिस्टल्स हो जाते हैं, बर्फ़ जम जाती है आइसक्रीम में, बेसिकली कई बार लोगों की ये प्रॉब्लम आती है, तो इस तरीके से आप कवर करके रखेंगे तो बिल्कुल भी आपकी आइसक्रीम में ऊपर से आइसिंग नहीं होगी। इसे बंद कर देते हैं और अब हम इसे सेट होने के बाद ओपन करेंगे। सो इस तरीके से हमने अपनी आइसक्रीम को ओवरनाइट रख के सेट कर लिया था। इसको आइए निकाल लेते हैं, एक बॉल्स में सर्व कर लेते हैं। के पास स्कूपर हो तो आप उसकी मदद से आराम से स्कूप आउट कर सकते हैं। सो इस तरीके से इनको हमने सर्व कर लिया है। इसके ऊपर आप चाहे गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता रखा है चॉप्ड, वो आप गार्निश कर सकते हैं। रोज सिरप आप ऊपर से ड्रिजल करना चाहें तो थोड़ा सा रोज सिरप भी आप ऊपर से डाल सकते हैं। सो मैंगो के सीज़न में मैंगो आइसक्रीम तो बनती ही है, तो इस तरीके से आप फटाफट से घर पर बना के इसको ट्राई कीजिएगा और अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए। सो इस तरीके से आप लोग ये रेसिपी बना के ट्राई करेंगे, काफ़ी अच्छी और आपकी टेस्टी रेसिपी बन के तैयार होगी। साथ में जो टिप्स दी हैं उनको भी फॉलो कीजिएगा, सो आप भी एकदम परफेक्टली बना के तैयार कर सकते हैं। आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।